जय हिंद। आज हम एफकेट और एसएससी जीडी जो एग्जाम आ रहा है करंट वाला उसके क्वेश्चंस करेंगे। 50 सुपर क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। दो पार्ट्स में करेंगे, 25-25 करके दो पार्ट्स में बनाएंगे। 50 बड़ा लंबा हो जाता है। और यहाँ पे क्या है, हमने बड़े सारे क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं, याद भी कर चुके हैं। अब वो क्वेश्चन होंगे जिनको आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। ये भी देख लेते हैं पहले 10। उस दिन जो सुपर 10 करवाए थे ना, सुपर 10 करके जाना, सुपर 10 भी वो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे और उनमें से 100% आने के चांसेस है। इनमें से भी आ सकते हैं, ठीक है। इनमें से भी आने के बहुत सारे चांसेस है। इसमें ज्यादा फेस्टिवल में रखे हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं और जो मीटिंग हुई कहाँ कहाँ पे, सबमिट्स एंड कॉन्फ्रेंस भी है, ठीक है। ये सिर्फ रिवीजन 50 सुपर क्वेश्चन वो है जो रिवाइज करने हमने इस बार, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप से क्वेश्चन आ सकता है, दो क्वेश्चन आ सकते हैं। कोई कुछ खा रहा है क्या? फीफा 2026 कहाँ पे होगा, मैंने बड़ी बार बताया, मेक्सिको, कनाडा एंड यूएसए, ठीक है। और फीफा 2022 जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? कतर। अब एफकेट और जीडी वाला जो पेपर होता ना उसमें स्टेट्स कैपिटल भी पूछ लेते हैं। दोहा की कैपिटल है कतर, ठीक है। दोहा की कैपिटल है कतर, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और अर्जेंटीना ने जीता था फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। अर्जेंटीना ने जीता था। तब उस साल इंडिया में इंटरनेशनल हॉकी वर्ल्ड चैंपियनशिप भी हो रही थी। किसने इंटरनेशनल हॉकी वर्ल्ड चैंपियनशिप कलिंगा स्टेडियम में नहीं देखी? फीफा का वर्ल्ड कप सबने देखा, ठीक है। अब कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल वेरी इंपॉर्टेंट। कलिंगा जो है, कलिंगा से क्वेश्चन देखिए क्या क्या बनते हैं। कलिंगा जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले, कलिंगा मीन्स ओडिशा से, आपको एसएससी जीडी में और एफकेट में टेम्पल्स पूछ सकते हैं, ठीक है। उड़ीसा में बहुत सारे टेम्पल है। इस क्वेश्चन को बाद में आते हैं, पहले इस क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सिटी इज कॉल्ड टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। भुवनेश्वर, ये पहला आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है लिंगा राजा टेम्पल क्वेश्चन आ चुका है इस साल 2023 में। तो लिंगा राजा टेम्पल ये भी भुवनेश्वर उड़ीसा में है। जगन्नाथ रथ फेस्टिवल और जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ पुरी, ये भी उड़ीसा में है। विच टेम्पल इज कॉल्ड ब्लैक पगोडा, दिस टेम्पल इज कॉल्ड ब्लैक पगोडा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये ब्लैक पगोडा बोलते हैं सन टेम्पल कोणार्क को महाबलीपुरम आबादी, सन टेम्पल कोणार्क, एक बच्चे ने बोला भी, जैसे कि महाबलीपुरम जो है वो सेवन पगोडा है। वो क्या है? सेवन पगोडा। सेवन पगोडा किस टेम्पल को कहा जाता है? सेवन पगोडा जो है ये महाबलीपुरम टेम्पल तमिलनाडु में, कौन सा है? तमिलनाडु में। जगन्नाथपुरी टेम्पल को व्हाइट पगोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइट पगोडा। सुंदर पेन लाई थी रजनीकांत, मार्कर लाया था, अपने पास रखी है मेरा मार्कर वो लेके आ, मारना नहीं, ठीक है। सेवन पगोडा, ब्लैक पगोडा, सन कोणार्क टेम्पल उड़ीसा, सन कोणार्क टेम्पल कहाँ पे है? उड़ीसा में। महाबलीपुरम तमिलनाडु में, शोर टेम्पल तमिलनाडु में, और मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम इज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया, ठीक है। और सेवन पगोडा और लार्जेस्ट, यहाँ पे एक और चीज देखिए, लार्जेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड अंकोर वट, कौन सा है? अंकोर वट ये कंबोडिया में है। कहां पे है? कंबोडिया में। हाईएस्ट टेंपल इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट टेंपल तुंग
ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। हम्पी कौन सी नदी के किनारे, हम्पी कर्नाटका में है, ठीक है, कौन सी नदी के किनारे है, तुंगभद्रा नदी के किनारे है। यहाँ पे राधा स्वामी रुक्मणी टेम्पल, बहुत सारे टेम्पल्स है आपको कर्नाटका के। कल वाला जो रहेगा सेशन उसमें ये सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं, स्टैटिक्स जीके के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी जीडी वो रहेंगे। नेक्स्ट देखिए इसका क्वेश्चन है कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल, ठीक है, ये हर साल भुवनेश्वर में मनाया जाता है। कलिंगा से एक और क्वेश्चन देखिए, कलिंगा का ओल्डेस्ट नेम जो है, ओडिशा का ओल्डेस्ट नेम कलिंगा है, क्या है, कलिंगा। कलिंगा से 2023 के दो करंट अफेयर देखिए, लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इन द वर्ल्ड जिसके आने के चांसेस है, ठीक है। ये रोड़किला उड़ीसा के रोड़किला में मनाया गया है, बिरसा मुंडा स्टेडियम, कौन सा है, बिरसा मुंडा स्टेडियम, बिरसा मुंडा स्टेडियम, ठीक है। फिर कलिंगा हॉकी स्टेडियम कहाँ पे है, कलिंगा हॉकी स्टेडियम ये भी ओडिशा, ठीक है। ओडिशा को उत्कल कहा जाता है, उत्कल दिवस मनाया जाता है, मैं याद रखूंगी, बड़ा बड़ा लिखूंगी, ठीक है, उत्कल, उत्कल दिवस मनाया जाता है ओडिशा में। अब एक और क्वेश्चन आता है कलिंगा से कि उड़ीसा में रिसेंटली कौन सा साइक्लोन आया था 2023 में, साइक्लोन मैंने करवाया है सारे रिपीट देखिए, टेबल बनाया उसमें से चेक कर लीजिए उड़ीसा में कौन सा मौका आया था कि नहीं, यही था, ठीक है, उड़ीसा में ठीक है मोर्चा, ठीक, ये साइक्लोन है। अब आपको देखो एसएससी जीडी में चेंज हो गया, साइक्लोन का नाम नहीं पूछते, पूछते हैं इस साइक्लोन का नाम किस कंट्री ने दिया, ठीक है, अब आपको करवाया वहां पे टेबल में चेक कर लो, बांग्लादेश ने शायद दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अयोध्या, अयोध्या से आपको तीन क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे अयोध्या, ये वाली स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पे डाल दो, शिव आपको समझ आ रहा है, देखिए अयोध्या हम थोड़ा अयोध्या करेंगे तो तीन क्वेश्चन तो पहले करंट अफेयर के करेंगे, ठीक है। अयोध्या में राम मंदिर की इनॉग्रेशन हुई, राम मंदिर बना, ठीक है। दूसरा अयोध्या और थाईलैंड और इंडिया के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई जिसका नाम दिया अयोध्या, ठीक है, क्या है, नहीं अयोध्या, ठीक है, अयोध्या था, ठीक है। अयोध्या जो है इट इज ए प्लेस इन थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड में एक प्लेस है। उसके बाद अयोध्या ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, सरयू, ठीक है। फोर्थ अयोध्या का ओल्डेस्ट नेम अवध, फिफ्थ एसएससी जीडी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ राजा रामचंद्र कौन से डायनेस्टी से आते, इक्ष्वाकु, फाउंडर कौन थे इनके, मनु, कौन थे, मनु, ब्रह्मा के मानस पुत्र मनु, मनु समृद्धि इसी पे, लॉ भाई, ठीक है, लॉ जो है हिंदू लॉ भी मनु ने बनाया, किसने बनाया, मनु समृद्धि। सिक्स्थ 1857 रिवॉल्ट आएंगे तो इससे 1857 रिवॉल्ट तो आएगा ही आएगा, अवध से 1857 रिवॉल्ट किसने लीड किया, किसने लड़ा, अवध से अवध आ गया, ठीक है, कौन है, बेगम हजरत महल, कौन है, बेगम हजरत महल, आप देखिए कौन है बेगम हजरत महल, ये कह रहा था गांधी जी को, आई प्यार वीडियो में आप क्या बोलते हो, ये एक मिनट बेटा वीडियो आना है तो इस पे
कुछ भी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। आप गांधी जी नेशन ऑफ फादर ऑफ नेशन है, ठीक है, यहाँ रखिए भाई, रुक जाओ बाद में बहस करेंगे, ठीक है। इनको बापू के नाम से जाना जाता है। जब भी आप कोई बात बोलो ऑफ वीडियो बोलो, ऑन वीडियो मत बोलो, ठीक है। अब देखो 1857 रिवॉल्व अवध बेगम। अब लखनऊ जो है भारत की कौन सी स्टेट में है, ठीक है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, लखनऊ, इसी के यहाँ पे अयोध्या, ठीक है, अयोध्या भी है। यूपी में एक मॉन्यूमेंट बड़ा इमाम बाड़ा छोटा इमाम बाड़ा। टेक्सटाइल में यूपी का कौन सा टेक्सटाइल जो है, लखनऊ का कौन सा फेमस है चिकनकारी, कौन सा है चिकनकारी। कानपुर इज फेम, कानपुर इज कॉल्ड लेदर सिटी ऑफ इंडिया, लेदर सिटी ऑफ इंडिया, लेदर सिटी ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, कानपुर को, ठीक है। कानपुर से वेरी इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया भी कानपुर को कहा जाता है। कानपुर में कौन सी नदी बहती है, थोड़ा बताए, गंगा। कानपुर में गंगा बहती है, ना ही सरयू बहती है ना ही गोमती बहती है। लखनऊ में गोमती बहती है, याद रखिएगा, कानपुर में गंगा। पटना बिहार, कानपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, मुजफ्फराबाद, वाराणसी, यहाँ पे जो नदी बहती है उनको बोलते हैं गंगा, माँ गंगा, ठीक है, याद रखिएगा। अयोध्या बड़ा लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में है। अयोध्या को अवध के नाम से, रानी हजरत महल कहां से लड़ी, अवध से। अवध को जो प्रोविंस ब्रिटिश के टाइम भी इसको अवध ही कहा जाता था, ठीक है। धीरे धीरे बाकी चेंज हुए, इक्ष्वाकु कुल से थे भगवान राम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। और उसके बाद लखनऊ को सिटी ऑफ नवाब कहा जाता है, सिटी ऑफ नवाब। उत्तर प्रदेश को सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स कहा जाता है, क्या हुआ, उत्तर प्रदेश को सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर किसको कहा जाता है, उत्तर प्रदेश। भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जेएल नेहरू भी उत्तर प्रदेश। लाल बहादुर शास्त्री भी कौन सी जगह बॉर्न हुए थे, कोई बताएगा मुझे, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कौन सी जगह, उत्तर प्रदेश नहीं भाई, उत्तर प्रदेश की कौन सी जगह, क्या नाम है, मेरठ थोड़ी पैदा हुए है, मेरठ में तो वो हुआ था, मेरठ में 1857 रिवॉल्व की चिंगारी शुरू हुई थी। मुगल सराय कहां से है, मुगल सराय, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज बोर्न इन उत्तर प्रदेश एट मुगल सराय। और अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से, और डिफेंस मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी, डिफेंस मिनिस्टर लखनऊ से है, कहां से, लखनऊ से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में वाराणसी में इस साल संगम काशी लिटरेचर फेस्टिवल भी हुआ, कौन सा, संगम काशी लिटरेचर फेस्टिवल भी हुआ। संगम जो है साउथ इंडिया को बिलोंग करता है, संगम लिटरेचर इसमें साउथ इंडिया के बारे में बताया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इतने क्वेश्चन डिस्कस करने में भी टाइम लग जाता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एशियान, 10th एशियान डिफेंस मिनिस्टर्स, ठीक है। एशियान की सर भी जो एशियान कहां पे हुआ इस साल, जकार्ता इंडोनेशिया, ठीक है। एशियान जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, क्या बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। और इसमें 10 कंट्रीज पहले की, अब 11 हो गई है। तिमोर लेस्ट इसके न्यू मेंबर बनी है, और इसका जो हेडक्वार्टर है कहां पे है, सॉरी बताएगा, जकार्ता इंडोनेशिया, ठीक है। सॉरी, मनीला में किसका हेडक्वार्टर है, मनीला फिलीपींस में किसका हेडक्वार्टर है, एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का,
एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट AIIB का चाइना, ठीक है, SCO का शंघाई का ऑपरेशन का बीजिंग में, सार्क का काठमांडू में, ये जो है ये एशियन ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी, एशियन, ठीक है, बिम्स्टेक का बांग्लादेश में, कहां पे, बांग्लादेश, ये सारी एशियन, एशियन का हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस, ठीक है, AIIB का, ये भी ADB जो है ब्रिक्स का ही बैंक है, ये भी ब्रिक्स का बैंक है, चाइना, SCO का बीजिंग, सार का काठमांडू, इसकी एसोसिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक कुछ इस तरह इसका IIB का फुल फॉर्म है, चेक कर लेना, ठीक है, ब्रिक्स ये याद रखिएगा, एशिया का UNO, ILO, WHO ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यूनिसेफ, यूनेस्को, ये एशिया की ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे एशिया मिलके काम करता है। नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह के अवार्ड आपके SSC, GD और FCAT में रह सकते हैं। कलाकार पुरस्कार अवार्ड एल्पोनिरिस डी सूजा को दिया गया है, कलाकार, आपको 10 अवार्ड याद रखने हैं, इनमें से आपके एक क्वेश्चन रहता है अवार्ड से, ठीक है, अवार्ड कौन कौन से है, वो सरस्वती सम्मान, ये कल मैं सारा डिटेल में करवाऊंगी, ठीक है, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक सम्मान, महाराष्ट्र उद्योग रत्न, महाराष्ट्र उद्योग रत्न, ठीक है, और सरस्वती सम्मान, ये सारे सम्मान है, आर एन टैगोर सम्मान, गांधी सम्मान, ठीक है, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, किसको मिला था सरस्वती सम्मान इस बार, व्यास सम्मान, शिवा शंकरी, या शिवा शंकरी किसके लिए, पागल खाना के लिए, ठीक है, और व्यास सम्मान पुष्पा देवी किसके लिए, व्यास सम्मान, भाई व्यास सम्मान, व्यास सम्मान चतुर्वेदी को मिला है, व्यास ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है, भाई रुक जा, व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है, सरस्वती सम्मान जो है वो शिवा, भाई रुक जा, गुलाब रुक जा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं किया था, ज्ञान भाई आ रही, ज्ञान सम्मान जो है ज्ञान चतुर्वेदी को लास्ट ईयर मिला था, इस साल पुष्पा देवी को मिला है व्यास सम्मान, हाँ ठीक है, पुष्पा वार ठीक लिखा था भाई, कंफ्यूजन क्रिएट, ठीक है, ये है शिवा शंकरी, याद रखना भाई, ये CSAT में क्वेश्चन होंगे, इसका एक होता है, ठीक है, कंफ्यूज, बाल गंगा लोकमान्य तिलक अवार्ड, ये करंट अफेयर है बेटा, ठीक है, ये मिला है मोदी को, उद्योग रतन टाटा वाला कौन है, रतन टाटा, रतन टाटा, आर एन टैगोर, ये देख लेना किसको मिला है, गांधी पी, गांधी और गीता, गोरखपुर गीता एक्सप्रेस, गोरखपुर गीता एक्सप्रेस, इससे क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, ये आपके SSC GD वाले में क्वेश्चन हो सकता है, आपके FCAT में भी हो, CDS में भी आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, दीप्ति बुटवा, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने ये इस बार दोबारा रिपीट किया है, ये पहली पंजाब पहली वुमेन है जिसको पंजाब का पंजाब के बैंक क्वेश्चन होता है, दहान प्राइज फॉर पंजाबी लिटरेचर, पंजाबी लिटरेचर के लिए किसको मिला, दीप्ति बूटा को, किसको, दीप्ति बूटा, याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसके लिए, पंजाब के लिए, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट, पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन से बने, कोलम, कोलम केरला में,
ठीक है। केरला को स्पाइस सिटी ऑफ इंडिया, वास्को डी गामा फर्स्ट रीच इन कैलिकट इन केरला, ठीक है। और गॉड्स ओन कंट्री, केरला को गॉड्स ओन कंट्री भी कहा, गॉड्स ओन कंट्री भगवान विष्णु ने बनाई थी, भगवान विष्णु के जो रूप में आए थे परशुराम उन्होंने बनाई थी, गॉड्स ओन कंट्री, वो भगवान विष्णु का रूप बोले जाते अवतार बोले थे, गॉड्स ओन कंट्री, ठीक है। उनके जो एलिमेंट था परसा उससे बनाई गई थी। इंडिया की पहली बैम्बू, और ये भी याद रखेगा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केरला से, फर्स्ट सोलर एयरपोर्ट कोच्चि, फर्स्ट सोलर एयरपोर्ट, ये बड़ी बार क्वेश्चन आता है, फर्स्ट सोलर एयरपोर्ट कौन सा है, कोच्चि। और पहली भारत की, ये भी करंट अफेयर लिख लो, पहली भारत की सुप्रीम कोर्ट की जज, सुप्रीम कोर्ट की जज भी केरला से थी, फातिमा बीबी, फातिमा बीबी, रिसेंटली शी वाज पास्ड अवे, ठीक है। अभी इन्होंने अपनी रिसेंटली इन्होंने पास अवे होने से पहले बायोग्राफी भी लिखी थी फातिमा बीबी ने, पहली सुप्रीम कोर्ट की जज है फीमेल फातिमा बीबी, याद रखिएगा। बहुत सारे केरला के क्वेश्चन है अभी फिलहाल, केरला स्टेट से पहली फीमेल थी, हाँ पूरे भारत की पहली, जो पहली भारत की फीमेल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी वो केरला से बिलोंग करती थी, ठीक है। भारत का पहला बैम्बू बैरियर, पहला बैम्बू बैरियर न्यू दिल्ली में इंस्टॉल किया जा रहा है, ठीक है। लॉन्गेस्ट स्टेशन प्लेटफॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हुबली एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि एफकैट में भी आए, जेके एसएसबी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट स्टेशन प्लेटफॉर्म हुबली जंक्शन, ये कहां पे है, कर्नाटका में, कहां पे है, कर्नाटका, और कर्नाटका में है। तो इससे पहले वाला कौन सा है, इससे पहले गोरखपुर प्लेटफॉर्म, गोरखपुर में कौन सी कॉन्स्पायरेसी हुई थी, काकोरी ट्रेन, काकोरी कॉन्स्पायरेसी, ठीक है, काकोरी कॉन्स्पायरेसी, ये इसलिए बोला है कि काकोरी कॉन्स्पायरेसी का रीनेम है, ठीक है, नाम चे काकोरी ट्रेन एक्शन, क्या है, काकोरी ट्रेन एक्शन, याद रखिएगा, गोरखपुर में ही हुई, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, लॉन्गेस्ट वेस्टर्न, मैंने आपको कल भी बताया था विलास, कौन सा है, एमवी विलास, ये एमवी विलास इंडिया और श्रीलंका के बीच चलता है, और एमवी एम्प्रेस जो है, नहीं एमवी एम्प्रेस श्रीलंका और इंडिया के बीच चलता है, गंगा के ऊपर जो चलता है, गंगा की जितनी भी वाराणसी से लेके वेस्ट बंगाल तक गंगा है उसके ऊपर जो मोटर रिवर क्रूज चलता है, लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज एमवी एम्प्रेस, चेक करना एक बार, एमवी एम्प्रेस इज द लॉन्गेस्ट क्रूज, ठीक है। और एमवी जो गंगा में गंगा के ऊपर चलता है वो कौन सा है, एमवी विलास, क्या रखे, ये गंगा के ऊपर लार्जेस्ट है, एमवी ये है, क्वेश्चन है रिवर क्रूज, लार्जेस्ट रिवर क्रूज इन इंडिया वो कौन सा है, एमवी एम्प्रेस। नेक्स्ट है इंडिया की फिफ्थ 5G एनेबल्ड ड्रोन नेम, वेरी इंपॉर्टेंट, स्काई हॉक, 5G ड्रोन नेम का नाम क्या है, स्काई हॉक, याद रखिएगा। सेवंथ मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल जो है चंडीगढ़ में हो चुका है, अभी दिसंबर में हुआ था, फर्स्ट जो है न्यू दिल्ली में हुआ था, और नेक्स्ट जो है 2024 में अमृतसर में होगा, कहा होगा, अमृतसर, यही आंसर है, एमवी गंगा जो है वो एमवी गंगा, और एम्प्रेस जो है नोट कर लो, एमवी गंगा सबसे बड़ा क्रूज है, और एमवी एम्प्रेस जो है वो श्रीलंका और इंडिया के बीच चल रहा है। फर्स्ट जो है फर्स्ट न्यू दिल्ली में हुआ है, सेवन जो है कहां हुआ, चंडीगढ़ में दिसंबर में हुआ, और जो नेक्स्ट है वो कहां होगा, अमृतसर में, अभी एक हो चुका है, एक और हो चुका है पटियाला में, ठीक है, चंडीगढ़ के बाद पटियाला, पटियाला के बाद अमृतसर में होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूरा ही वुमेन ने ऑर्गेनाइज किया था, मानिक शाह सेंटर न्यू दिल्ली में, ठीक है, और आर्मी, इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया था, साउथ एशियन एसोसिएशन एसोसिएशन वुमेन्स के लिए डिजाइन किया गया था, इंडियन आर्मी कंडक्टेड टेबल टॉप एक्सरसाइज TTX, टीटी एक्सरसाइज, टेबल टॉप एक्सरसाइज इज वुमेन ऑल पार्टिसिपेशन आर वुमेन्स, और इट वॉज हेल्ड इन मानिक शाह सेंटर
एंड ऑल साउथ एशियन नेशन वुमेन पार्टिसिपेटेड इन द टीटीएक्स टॉप टेबल एक्सरसाइज. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके आने के चांसेस हैं. इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया था वुमेन्स के लिए. ठीक है, नारी शक्ति. ठीक है, थीम ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल. ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल बड़ा रहा और इसका थीम देखिए इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड ए रिसर्जेंट आयुर्वेदा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम. मैंने कुछ ही लिखा जो मुझे लगता है कि पूछ सकते हैं. और ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल केरला में हुआ थिरुवनंतपुरम. केरला की कैपिटल है थिरुवनंतपुरम. केरला के गवर्नर रिसेंटली उस पर बैठ गए थे धरने पे. के इनका नाम है, कोई बताएगा केरला के गवर्नर का नाम? आरिफ मोहम्मद खान. कौन है? आरिफ मोहम्मद खान. अभी केरला में इनके ऊपर 2-3 बार अटैक भी हो चुके हैं आरिफ मोहम्मद खान पे. और यहाँ पे मुस्लिम लीग पार्टी है और वो रूल करती है. कभी उनके ऊपर केरला के संसद में भी हो चुका है और अभी रिसेंटली रोड में भी उनके ऊपर अटैक हुआ था आरिफ मोहम्मद खान. याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कौन से स्टेट के. एसएससी जीडी अग्निवीर में ये क्वेश्चन आते हैं. गवर्नर खादी महोत्सव नारायण राणा ने इनॉग्रेट किया था. सेमी माइक्रो एंटरप्राइजेस से है नारायण राणा. और खादी महोत्सव सेलिब्रेट किया, खादी को प्रमोट किया था ड्यूरिंग खादी को प्रमोट किया गया कब? कब किसने प्रमोट किया था? गांधी जी. ठीक है, खादी को किसने प्रमोट किया था? जब इंडिया स्ट्रगल कर रहा ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया. ठीक है, भाई किया होगा, मैंने ऐसे ही बोला. जो हमारी आजादी का लोगो था, प्रतीक था, वो खादी थी. ठीक है, वो क्या थी? खादी. चरखा ही चलाया था गांधी जी ने. ठीक है, अच्छा. उत्तर पूर्वी महोत्सव, उत्तर पूर्वी मीन नॉर्थ ईस्ट महोत्सव जो है दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया. कहाँ पे? दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया. यहाँ पे मैंने इसको दोबारा ऐड किया है क्योंकि ये 2024 का करंट अफेयर है. ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ पे? उड़ीसा में, नागालैंड में. और पर्पल फेस्टिवल गोवा में. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं आएगा ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में हुआ. ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड की कौन सी विलेज में हुआ? मैंने दोबारा लिखा है रुजोमा. ठीक है, रुजोमा में. कहाँ पे? रुजोमा में. और नागालैंड का एक और फेस्टिवल है, कौन सा है? हॉर्नबिल फेस्टिवल. हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे होता है? नागालैंड में. एलिफेंट महोत्सव, एलिफेंट सबसे ज्यादा भादरगढ़ टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं, तो ये मध्य प्रदेश में है. मध्य प्रदेश से भी 1-2-3 क्वेश्चन रहते हैं. खजुराहो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. और मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बड़ी बार याद कराया, सबसे ईजी होते हैं लर्न करने के लिए. ठीक है, माधव काना पन्ना सतपंच फॉसिल बांधवगढ़ और लास्ट में है बांधवगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. 8 है माधव काना कुनू माधव काना पन्ना पंच सत और एक रह गया बीच में फॉसिल्स नहीं. माधव काना पन्ना सत संजय ये 5 दोस्त फॉसिल ढूंढने के लिए बांधवगढ़ नेशनल पार्क में गए. ठीक है, ये 5 दोस्त फॉसिल ढूंढने के लिए बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में गए. कुनू टाइगर याद रखिएगा, कुनू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व याद रखिएगा, नेशनल पार्क याद रखिएगा. नाइजीरिया से यहाँ पे जो 8 चीते लाए गए थे यहाँ पे रखा गया. उसके बाद जो दूसरा बन रहा है जो चीताओं के लिए दूसरा नेशनल पार्क वो है बादला. वो कौन सा है? बादला नेशनल पार्क. और मध्य प्रदेश के न्यू CUM बने हैं. मध्य प्रदेश नर्मदा के किनारे है. मध्य प्रदेश में रिसेंटली मध्य प्रदेश में रिसेंटली एक स्टैचू इंस्टॉल किया गया था. चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान ने किया था, उसका नाम था स्टैचू ऑफ वननेस.
स्टेच्यू ऑफ वननेस डेडिकेट किया जाता है किसको? शंकराचार्य को. किसको? शंकराचार्य को. और स्टेच्यू ऑफ वननेस कौन सी नदी के किनारे है? नर्मदा के किनारे. वननेस ही है भाई. ठीक है, ये 2023 के कुछ फेस्टिवल्स हैं, वो मैंने शॉर्ट में लिखे हैं, इनमें से क्वेश्चन हो सकता है. ठीक है, बत्तुकमा तेलंगाना, अंथुरियम मिजोरम, ये वो फेस्टिवल आते हैं एग्जाम में एसएससी सीएचएसएल सीजीएल में. ठीक है, और सीसैट में भी पूछे जाते हैं ये. अगर कई बार बच्चे मुझे बोलते हैं मैम हमने फेस्टिवल पढ़ा नहीं, क्यों आ गया? बट फेस्टिवल आप याद किया, हमेशा ही करंट अफेयर से आएंगे. कहां से आते हैं? करंट अफेयर. आप देखो ना, नॉर्थ ईस्ट के हमने थोड़े फेस्टिवल पढ़े होते हैं, ये आदत है, वो हमने याद क्यों होते हैं, बट बीच में से ये इनमें से कोई आदत हम बोलते ये तो हमने पढ़े नहीं थे. ठीक है, बत्तुकमा तेलंगाना, अंथुरियम मिजोरम, जय जयत्रा नेपाल, गंगेस वैली जे एंड के, बूटिया भांडिया उड़ीसा, ये चोला से है, इसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं सी एच एच एस सी एल में, चोला से है. ठीक है, इसको पहले मैं पूरा पढ़ा चुकी हूँ. बाईपोर इंटरनेशनल वाटर फेस्टिवल केरला में, किलिंगा लिटरेचर फेस्टिवल उड़ीसा भुवनेश्वर में, एशियन इंडियन मिलेट, एशियन इंडियन 2023 वाज द ईयर ऑफ मिलेट्स ऑफ द ईयर. क्या था? मिलेट ऑफ द ईयर. इस साल है 2024 इज द ईयर ऑफ कैमलिट्स. ठीक है, जानवर जो एनिमल जिराफ हो गया, कैमल हो गया, इस तरह के रहेंगे. ठीक है, ईयर कौन डिसाइड करता है? यूएन, यूनाइटेड नेशन डिसाइड करता है. जल इतिहास जो है उत्सव वो कौन है? न्यू डे. थीम देखिए, 24 जनवरी को इंटरनेशनल एजुकेशन डे होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन होता है. लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस, लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस. सॉरी बोल, क्या प्रॉब्लम हुई है क्वेश्चन में? चक्कर रहा? ठीक था, थैंक यू. ठीक है, थीम लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस 24. इस साल आप गर्ल चाइल्ड चार क्वेश्चन करके जाइएगा नेशनल यूथ डे. ठीक है, इसका थीम याद कर लो, गर्ल चाइल्ड डे. इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी होता है. ठीक है, जनवरी का. और प्रवासी भारतीय दिवस, इस बार थीम ही आया इसका, प्रवासी भारतीय दिवस. ठीक है, उसके बाद और कौन सा है? वीर पराक्रम डे, वीर इसका थीम है. ठीक है, पराक्रम दिवस, वीर पराक्रम दिवस इसका थीम है. ये क्वेश्चन करके जाइएगा, ये जनवरी के डे विद थीम्स करके जाए. नेक्स्ट देखिए, अब पार्लियामेंट में अटैक हुआ था जैसा भी था, तो अब पार्लियामेंट की सिक्योरिटी किसको दी गई है? सीआईएसएफ को दे दी गई है. किसको? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ में चली गई. ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सीआईएसएफ ज्यादातर काम करती है एयरपोर्ट्स में. कौन कहां काम करती है? एयरपोर्ट्स में. और आपके एसएससी पूछ सकते हैं एसआईएसएफ स्टैंड फॉर. ठीक है, और इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच जो फोर्स होती है वो बीएसएफ होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल रेड क्लिफ, हाँ रेड क्लिफ लाइंस. ठीक है, इंडिया और चाइना के बॉर्डर को बोलते हैं मैकमोर लाइन. इंडिया अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर को बोलते हैं डूरेंट लाइन. और इंडिया और चाइना के भी जो इंटरनेशनल बॉर्डर सिक्योरिटीज होती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, उनको आईटीबीपी कहा जाता है. इंडिया और नेपाल के भी जो फोर्सेस हैं उनको, सिक्योरिटी फोर्सेस को एसएसबी सशस्त्र सीमा बल कहा जाता है. और इंडिया और बांग्लादेश के बीच बीएसएफ है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच भी बीएसएफ है, इंडिया और चाइना के बीच कौन है? आईटीबीपी. इंडिया नेपाल के बीच कौन है? एसएसबी. और याद रखिएगा, एयरपोर्ट में सीआईएसएफ, सेंटर में पूरा सीआरपीएफ होती है. ये सारी सिक्योरिटी फोर्सेस है, ये इनसे भी क्वेश्चन दे सकता है. नेक्स्ट देखिए, अजय भट्ट, मैंने ये इतना खास क्वेश्चन नहीं है बट अजय भट्ट इम्पोर्टेंट है. क्यों? क्योंकि रिपब्लिक डे में जो अनाउंसमेंट हुई बेस्ट कंटिजेंट एंड टैब्ल्यू का, उसको किसने डिफेंस कर दिया? अजय भट्ट. ठीक है, ये स्टेट डिफेंस मिनिस्टर है अजय भट्ट. अंटार्कटिका मिशन में इंडिया को फ्लैग ऑफ किया था. अंटार्कटिका में इंडिया के तीन रिसर्च सेंटर है. कौन कौन से है? भारती अब नहीं चलता, ठीक है, अब ये एक्टिवेट नहीं है. गंगोत्री एक
गंगोत्री, भारती और तीसरा कौन सा है, मैत्री। ये तीनों ही कहां पे थे, अंटार्कटिका में है। ठीक है, अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक विंसन, अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक विंसन, नदी अनोक्सी। ठीक है, नदी का नाम है अनोक्सी, अंटार्कटिका में भी रिवर है अनोक्सी और हाईएस्ट जो पीक है विंसन नाम के से कहलाती है। इंटरनेशनल गीता महोत्सव ऑनिक्स ऑनिक्सी है, ऑनिक्स लिख ले तो एक भी बात है। ठीक है, इंटरनेशनल गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में। ठीक है, गीता महोत्सव कहाँ पे हुआ, कुरुक्षेत्र। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का अभी रिसेंटली हुआ, पिछले साल करंट अफेयर करवा रहे ना, नवंबर से दिसंबर जो रह गए हैं वो रिवीजन पे चल रहे हैं। ठीक है, कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। और याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र गंगा यमुना किसी नदी के किनारे नहीं है, यहाँ पे वॉर हुई थी वो सरस्वती नदी के किनारे है। कुरुक्षेत्र आंध्र बैंक का सरस्वती नदी, और सरस्वती मेंशन इन ऋग्वेदा, इन विच वेदा सरस्वती वाज मेंशन, ऋग्वेदा या ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट वेदा, रिसेंटली समावेदा ऑफ न्यू इंडिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बुक है समावेदा ऑफ न्यू इंडिया, इट वाज रिलीज बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद से क्वेश्चन याद रखिएगा, वन नेशन वन वोट। ठीक है, ये के हेड कौन है, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद सेकंड दलित प्रेसिडेंट है, इससे पहले आर के नारायण जो है फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट है भारत के, और सेकंड है रामनाथ कोविंद दलित प्रेसिडेंट। ठीक, आर के आर नारायण जो है वो मालगुड़ी डे वाले है। ठीक है, और बड़े सारे के आर नारायण के इस सब तीन एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, बार बार मैंने मालगुड़ी डे बच्चों को बोला कर लो कर लो, और मुंह में नहीं, 2023 के सारे एग्जाम में के मालगुड़ी डे